फ्रेंड्स, आज की कॉन्सेप्ट को पूरा फुल वॉच करना, बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को मैं रखने वाला हूँ। जो जो पॉइंट रखूंगा, एक एक पल और एक एक पॉइंट इस वीडियो का दोस्त आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो को देखकर उसके बाद ही आप खाने खाना या फिर सोने जाना या जो भी दिल करेगा, अगर वीडियो प्ले कर दी तो पहले वीडियो पूरा देख लेना। देखो, जापान, ध्यान समझना। आप बोलोगे दिनेश भाई कॉन्सेप्ट क्या है, बताने की कोशिश क्या कर रहे हो, ध्यान सुनना। चीन, भारत अपना या अमेरिका अपना, ठीक है, और भी कई सारे देश हैं, लेकिन चलो हम चार ही को रखते हैं, क्योंकि ये चार जो है बहुत ट्रेंडिंग में चलता है, बहुत ज़्यादा कहीं भी चर्चाएं होती हैं तो भारत यानी कि इंडिया का चर्चा हो जाता है, अमेरिका का भी चर्चा हो जाता है, चीन का भी चर्चा हो जाता है, जापान का भी चर्चा हो जाता है, चर्चाओं का विषय बना रहता है ये चारों कंट्री। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं या जापान के जो लोग हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है। मैं कंपेरिजन करूँगा, इंडिया के लोगों से बहुत बेहतर है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इंडिया के आर्मी, सेना, जल, थल, वायु सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि वो स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान एक अच्छे नागरिक बनते हैं, इतनी पावरफुल व्यक्ति बनाए जाते हैं, उनके अंदर जुनून भी होता है, वो एक अलग किस्म के ही होते हैं, तो उनसे अपना तुलना मत करना, चूंकि वैसे तो आप हो नहीं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जापान के जो छोटे बच्चे, 12 साल का बच्चा होगा ना, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 28 साल या 25 साल होगी तो भी मैं कह सकता हूँ आपके दिमाग से तेज दिमाग उसका होगा, आपसे ज़्यादा वो बेहतर भी होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो चीन का बच्चा होगा वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, 15 साल का चीन का बच्चा या 30 साल के इंडिया के 30 साल के बच्चे को पढ़ा सकता है भाई साहब, हर चीज़ में पढ़ा सकता है, चाहे ऐसे ऐसे करना हो या फिर बातों से करना हो या टेक्निकली कोई चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ों में वो उनको मात दे सकता है इंडियन को, ठीक है। और ये जो अपने भारत के हैं, यहाँ के लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, देश दुनिया को समझने वाले होते हैं, वो ही जाके IAS बनते हैं या फिर PCS बनते हैं या कोई भी अधिकारी बनते हैं या फिर आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं या CRPF ज्वाइन कर लेते हैं या फिर जल, थल, वायु सेना में कहीं पर भी वो चले जाते हैं, उनकी एक अलग ज़िंदगी है। और ऐसा करने वाले मात्र इंडिया में सिर्फ दोस्त 10% है, मैं अपने कई सारी वीडियोज में इस बात का जिक्र भी किया हूँ, 10% ही हैं जो ऐसा सोच रखने वाले हैं, वो तो उनकी बात छोड़ देते हैं। अब जब इंडिया की 90% पॉपुलेशन बचती है, ये क्या सोचती है भाई, अमेरिका जैसे लोगों जैसा बनना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते आप, क्यों, चूंकि आपको मैस्टरबेशन करने से छुट्टी नहीं मिलेगा, और जब आप मैस्टरबेशन करते हो तो क्या क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कैसी कैसी बीमारियां जन्म लेती हैं आपके शरीर में, ये शायद आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, मैंने फेस किया उन सारी चीज़ों को, मुझे पता है दोस्त। और जब मैंने फेस किया तब वक्त बहुत आगे निकल चुका था कि मुझे रिकवर करने में ससुरा आज भी मेहनत करना पड़ता है, आज भी दवा ऊपर से 8 महीना खाया और रिकवर आज भी करने के लिए सोचना पड़ता है, कैसे ना कैसे करके यही सोचता हूँ, नहीं यार इस चीज़ को परहेज में रखो, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। कभी सोचो चीन वाले तो आज ज़्यादा फास्ट फूड है, फुर ऐसे ऐसे पीते, पता नहीं कहा लुकड़िया लेके ऐसे ऐसे हिंचते हैं, पता नहीं क्या इतना फास्ट फूड ससुरा ऐसा ऐसा आहार लेते हैं भाई साहब, नाम नहीं इस वीडियो में ले रहा है, दिल कर रहा है, सच बता रहा है, ऐसा ऐसा आहार लेते हैं वो लोग, और सोचो उनको उतना फर्क नहीं, फिर भी वो लोग हमसे ज़्यादा स्टैंडर्ड, हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, कैसे, बहुत चीज़ें हैं दोस्त, उन सब चीज़ों पे हम अगर वीडियो में बात करेंगे, वीडियो आधे घंटे की बनेगी, फिर भी पूरी की पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब इंडिया की जो 90% है, इसमें से तकरीबन 30% जो नए उम्र के लड़के हैं, 30%, 60% की बात छोड़ दो, उसमें तो बूढ़े भी हुए, बच्चे भी हुए और भी माता पिता की उम्र के लोग भी हुए, उनकी बात छोड़ दो, 60% वो आगे, लेकिन जो बात 30% में लड़के सिर्फ बचते हैं, 30% में लड़के, वो लड़के क्या करते हैं ना, बहुत दबा के मैस्टरबेशन करते हैं भाई साहब, किसी किसी को 8 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया मैस्टरबेशन करते हुए, और समस्याएं ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं ना दोस्त, कि उनको ये शीशम का पत्ता खाना पड़ता है, भिंडी खाने पड़ता है, अंडे खाते हैं, डाइट बढ़ाते हैं, चने खाते हैं, गुड़ खाते हैं, तब जाके मतलब इतने सारी डाइट, इतने सारे खाने पीने वाली चीज़ें खाने पड़ती हैं, तब जाके ठीक होता है। तो मैं ध्यान समझना, अगर ऐसे 30% लोगों में से आप भी हो और आप भी समस्याएं फेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको जीवन में समस्याएं ना फेस करना हो, आपको इन 10% लोगों की कैटेगरी में जाके खड़ा होना है, तो ध्यान समझना मेरे दोस्त, आप तुरंत तुरंत वीर रक्षा करना शुरू कर दो, कोई भी समस्या होगी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और आप कह रहे हो कि नहीं मैं वीर रक्षा कर रहा हूँ दिनेश भाई,
मैंने सब कुछ किया आपकी वीडियोस देख देख कर, हर वो चीज़ हर वो नियम फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी नहीं सही हो रहा है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज कर लेना, मैं मेडिसिन प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी समस्या आपको होगी, चाहे कोई भी समस्या आपको होगी, गुप्त रोग से समस्या जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी, बहुत सारी समस्याओं पर बात हम डिस्कशन कर लेंगे अपने व्हाट्सअप पर। आके व्हाट्सअप पर आप बताना दोस्त, हम उन समस्या का मेडिसिन आपको जरूर रिकमेंड करेंगे और जरूर प्रोवाइड कराएंगे और आप 100% ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके पहले आप अगर वीर रिएक्शन नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, आप सही हो जाओगे, 100% सही हो जाओगे। और तरह तरह के लोगों के बारे में सोचना जानना, दौड़ते रहोगे, दौड़ते ही रह जाओगे और कुछ होगा नहीं, ज़िंदगी झमंड हो जाएगी। जो अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका को जान रहे हो आज कहाँ पर पहुँचा है? ये जहाँ आप वीडियो देख रहे हो ना, ये यूट्यूब है, यानी कि गूगल का प्रोडक्ट है। ये किसने बनाया? एक इंडियन ने नहीं बल्कि एक अमेरिकन ने। और आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, असल में ये गूगल और यूट्यूब जो है ना, ये इजराइल यानी कि यहूदियों का देन है, ये अमेरिका का है ही नहीं। बस ये है जो इजरायली कुछ यहूदी हैं वो जाके अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ से टेक ओवर करते हैं, वहाँ से इस यूट्यूब को, गूगल को, इन सारी चीज़ों को टेक ओवर करते हैं। यहूदियों के पास इतना पैसा है, इतना दिमाग है भाई साहब, कि अमेरिका एक बार चाह लेना तो इजराइल से नहीं फंस सकता। अमेरिका की औकात नहीं है, सच बता रहा हूँ दोस्त, अमेरिका कभी इजराइल वालों यहूदियों से बच नहीं सकता, क्योंकि यहूदी ऐसे ना, उनके पास इतना दौलत है, इतना पैसा, मालूम है एक दिन में गूगल यानी कि यूट्यूब वगैरह कितना पैसा कमाते होंगे, एक दिन में आपके सोच से भी ज़्यादा, इतना दौलत भाई साहब, इतना दौलत है ना कि पाट देंगे, समझ लो नदी है नहीं समुद्र है ये लोग, बस इतना जान लो। तो यहूदियों के पास बहुत दिमाग है, ये दिमाग आता कहाँ से? जिस कम उम्र में आप मैस्टरबेशन करने के लिए सोचते हो, अश्लीलता भरी वीडियोस देखते हो रात रात भर जाग जाग करके, उसी कम उम्र में 15 साल 16 साल 14 साल की उम्र में ये लोग कुछ ना कुछ हमें इन्वेंशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ जांचते रहते हैं। जैसे मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं इन्हीं समझ में यहूदियों का गुलाम हूँ भाई, यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, एक प्रकार से गुलाम है, जानो काम करूँगा, पैसा मिलेगा, आप लोगों तक मुझे अपनी बात भी पहुँचानी है, ये भी आप जान लो। तो जब बात पहुँचाने तो मुझे कुछ ना कुछ स्टडी करना है, मैं रात में 4-6 घंटे स्टडी कर लेता हूँ आप लोगों के बारे में, आपको इन जो भी चीज़ समाज में चल रहा है, आपको मोटिवेशन देने के लिए या आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई भी चीज़ बताने के लिए, आपको एक अच्छी चीज़ें बताने के लिए मैं उस पर स्टडी करता रहता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ें खाओ, ये चीज़ें पियो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। तो यही चीज़ मेरे दोस्त, हमेशा ये जो अमेरिका के लोग हैं, जो कुछ ना कुछ हमेशा काम करते रहते, काम में व्यस्त रहते हैं, चीन वाले भी यही करते हैं, जापान वाले, लेकिन इंडिया वाले जब खाली समय में रहते हैं तो क्या करते हैं, मेस्टर बेट करते हैं, जो नए उम्र के लड़के हैं, यही बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे दोस्त। तो आज का ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ मेरे दोस्त, ट्रीटमेंट भी मैंने बता दिया, मोटिवेशन भी दे दिया, कुछ आपको समझ लो जीके का बहुत बेहतरीन भी कुछ ऐसा समझ लो लेक्चर भी दे दिया, जो भी कुछ आप समझो, आज की इस वीडियो में बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर सच में आप एक इंसान हो तो बहुत कुछ आप समझ सकते हो, मुझे पता है मेरे दोस्त। तो अगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो ना मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे जल्दी किसी अच्छी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।